हेलो दिस इज़ इमरान मलिक और सबके लिए एक गुड uh, न्यूज़ है गुड न्यूज़ ये है कि मेरा एक पेड uh, ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ बहुत ही जल्द ये लॉन्च uh, हो जाएगा तो जो भी चाहते हो इसमें ज्वाइन uh, हो सकते हो अगर कोई भी बंदा चाहे तो इसमें ज्वाइन हो सकता है इसमें बेनिफिट्स क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा सा बेनिफिट्स ऑल टाइप ऑफ लैपटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड बायोस स्कीमेटिक बोर्ड व्यू ग्राफिक्स कार्ड का स्कीमेटिक बोर्ड व्यू सारा कुछ आपको फ्री अवेलेबल मिलेगा इस ग्रुप पे आप चाहो तो इजीली ज्वाइन हो सकते हो और इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक मैंने दे के रखा है आप जाके वो लिंक पे मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो कैसे ज्वाइन होना है ये मैं डिटेल्स बता दूँगा ठीक है तो वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात बोल दूँ इस बोर्ड के ऊपर तो ये इंटेल का एक डब्ल्यू डब्ल्यू सीरीज़ का बोर्ड है मान लो सिक्सटी वन सीरीज़ का एक इंटेल का बोर्ड है तो कोई भी बोर्ड अगर आपके पास रिसीव हो तो जो भी बोर्ड आप अगर काम करते हो प्रोफेशनल अगर आप काम करते हो या करना चाहते हो इस फील्ड में अगर ये आपको मतलब दिल से मतलब क्या बोले हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अब दिल को छू जाता है ये सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लगता है आपको ये रिपेयरिंग करना आपको दिल का दिल को सुकून मिलता है ये रिपेयरिंग करके तो फिर आप इस फील्ड में रहो तो आप हाँ आगे जा पाओगे अदरवाइज़ आप ज़बरदस्ती कर रहे हो मतलब फैमिली के वजह से या फिर प्रेशर है कुछ पैसा चाहिए तो थोड़ा सा कर लेता हूँ इधर उधर से यूट्यूब देख के ऐसा अगर करते हो तो इस फील्ड में क्या है ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे तो अगर दिल से लोगे तो इस फील्ड में आप बहुत ही मतलब गेन कर सकोगे आगे बढ़ पाओगे मतलब इसके लिए आपको दिल से लेना है इस सब्जेक्ट को रिपेयरिंग चीज़ जो है ये छोटा मोटा कुछ चीज़ नहीं है बहुत ही शिद्दत और पेशेंट का काम है अगर आप में पेशेंट है तो ही आप कुछ कर पाओगे अदरवाइज़ आप में अगर पेशेंट ज़्यादा नहीं है तो आप इस फील्ड में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे तो वैसे तो पेशेंट पेशेंट करके मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि इतना प्रेशर रहता है तो क्या बताऊँ अगर किसी का बात भी मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है मुझे लगता है कि साइकेटिक्स के पास जाना पड़ेगा अभी तो बहुत प्रेशर में रहता हूँ और तो देखो ये एक बोर्ड है तो ये जो इंटेल का सिक्सटी वन का बोर्ड है लगभग इस बोर्ड का आपका डायग्राम डायग्राम मींस आपको आँख में देख के इसका जो एक पिक्चर है दिमाग में रखना पड़ेगा कि बोर्ड में कहाँ कहाँ क्या, क्या क्या होता है क्या क्या मिसिंग होने हो सकता है क्योंकि कस्टमर जब आपके पास बोर्ड देता है तो वो या तो किसी दूसरे जगह पे भेजता है पहले या फिर खुद यूट्यूब देख के कुछ ना कुछ करता है उसके बाद आपके पास भेजता है ऐसा करता है मतलब सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट कस्टमर ऐसा करता है पर थर्टी से लेके ट्वेंटी से लेके 30 थर्टी परसेंट कस्टमर जो यूज़र लोग होते हैं वो डायरेक्टली आपके पास आ जाता है कुछ भी नहीं करता है तो उस टाइप का बोर्ड मिले तो आप इजीली रिपेयर कर सकते हो मैं हमारे पास भी इजीली हो जाता है मतलब जो छेड़खानी करते हैं किसी दूसरे के पास देने के बाद फिर से भेजता है या फिर खुद कुछ करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है अभी ये जो एक बोर्ड है अभी आपको दिल से देखना है ये जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ एक बार देख लोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा और अगर आप थोड़ा सा वीडियो कट शट कर दी तो मतलब आखिर में क्या है मेन मसला देखने जाओगे तो आगे का चीज़ अगर नहीं सुनोगे तो प्रॉब्लम होगा आपको नेक्स्ट टाइम जाके तो इसमें हम पावर डालते और ये कार्ड में कोड आता है इसको दिखाने के लिए वोट को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे मतलब ऐसे रहे तो चलेगा अभी देखो मैं सिंपली इसको टिगर देता हूँ ठीक है ये टिगर दिया तो देखो अभी कोड का वेरिएशन देखो क्या है थर्टीन है कोड क्या है हमारा वोट पे थर्टीन है फिर से रीस्टार्ट अगेन थर्टीन और अभी यहाँ पर जो ये अगर यूनिवर्सल डिबाक कार्ड आप यूज़ करते हो तो इससे पता चलेगा कि आ, कौन सा सेक्शन में बोर्ड में प्रॉब्लम है यहाँ पर कुछ ये सिग्नल जनरेट करता है पर ये जो सिग्नल जनरेट करता है ये आ, कभी कभार रॉन्ग हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम है कुछ और जगह पे और ये सिग्नल पे कुछ और जगह दिखा देता है पर यही आपको बस समझना है कि क्या है बोर्ड में प्रॉब्लम अगर आप चाहते हो कि एक डिबा कार्ड ले लिया चार पाँच हज़ार खर्चा करके अब तो मैं सारा बोर्ड डिबा कार्ड देख के ही रिपेयर कर दूंगा। ऐसा अगर किसी का सोच है तो आपसे कुछ भी नहीं होगा मतलब डिबा कार्ड का कोड देख के कोई भी मदरबोर्ड रिपेयर नहीं कर सकता है पर हाँ बेसिकली ये कुछ हद तक आपको हेल्प मिलता है कि हाँ भाई कोड जनरेट हो रहा है कौन सा कोड है कोड के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा तो और यहाँ पर जितने भी सारे एल लगा हुआ है इसमें कुछ मतलब सिग्नल जनरेट होता है इसमें यह जो एल होता है इसमें कुछ सिग्नल जनरेट होता है जो कि इसे देख के हम कभी कभार पता लगा सकते हैं कि हमारा बोर्ड में रैम का इशू आ रहा है या फिर सी का या फिर पी का तो अलग अलग सा यहाँ पर एल होता है तो अभी जो है अगर आप डिबाक कार्ड पे फॉलो करेंगे तो ये दिखा रहा है सीपी ये देखो सीप्यू सी पी का एल जल रहा है मतलब सीपी खराब है या फिर सीपीयू का सॉकेट में कुछ गड़बड़ है पिंस में कुछ दिक्कतें हैं डिबाक कार्ड हमें ये बता रहा है पर डिबाक कार्ड के हम बात सुने तो ये बोर्ड हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे अभी इसको ऑफ कर देते हैं अभी और एक चीज़ दिखाना है अगर हम डी रैम कर दे विदाउट रैम पे ये बोर्ड रैम का इरो आएगा ऐसा ही प्रॉब्लम मदरबोर्ड में बेसिकली ज़्यादातर आते हैं क्योंकि मैं अभी देखो रैम का है क्योंकि जितने हद तक मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन सॉल्व आउट करता हूँ उससे तो लगभग यही प्रॉब्लम मुझे दिन में चार पाँच मिल ही जाता है कोई ना कोई ऐसा टाइप का वीडियो बना के भेजता है या फिर जो टेक्स्ट करता है टेलीग्राम पे तो इसी के बारे में ही कुछ पूछते हैं कि रैम हटा दूँ तो बीप कर रहा है रैम लगाऊँ तो बीप नहीं कर रहा है डिस्प्ले भी नहीं आउट हो रहा है तो फिर से हमने रैम लगा दिया अभी ये जो रैम है हमारा जेनुइन रैम है और बोर्ड में हंड्रेड डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है फिर से आप देखो ये थर्टीन कोड है और यहाँ पर जो है सी पी है हमें ठीक है और अगर हम कीबोर्ड लगा के दिखा देते कि इसमें डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा क्योंकि हा डिस्प्ले आउट होने के बाद कोड का और भी चेंजेस आएगा वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँगा पर स्टेप बाय स्टेप आप देखो ये देखो कीबोर्ड मैंने डाल दिया ये देखो कीबोर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पर यू तो कीबोर्ड पे हमारा कोई भी नमलॉक का एलईडी जो है कोई भी एलईडी नहीं है तो थर्टीन पे जा रहा है और बार बार ये देखो बार बार ये रिजस्टार्ट हो रहा है थर्टीन पे जाके ही रुक रहा है रिजस्टार्ट हो रहा है अब बात ये है कि ऐसी टाइप के केस है तो हम क्या क्या करें तो ये इंटेल का बोर्ड है ऐसे आसूस में भी होता है गीगाबाइट पे भी आता है मतलब अदर 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 ब्रांड में भी कोई भी ब्रांड में ये प्रॉब्लम आपको फेसिंग हो सकता है इसका सलूशन क्या है अगर आप रैम हटा दो तो बोर्ड अगर आप ऑन करो तो रैम का बी पा रहा है और आपका पास अगर जेनुन रैम है वो भी डाल रहे हो तो ये एक कोट पे जाके रुक रहा है मेरे पास तो थर्टीन है आपके पास में कुछ और कोट पे जाके रुक सकता है फिफ्टी सिक्स फिफ्टी एट कोई भी कोड हो सकता है पर डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है तो इसमें क्या करें सिंपल सी एक बात है तो देखो अभी चेक जो करना है अगर इस टाइप का केस आप मल्टीमीटर से ट्रेस आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि मल्टीमीटर से अगर आप वोल्टेज लेवल पे जाओगे तो जितने भी सारे वोल्टेज यहाँ पर बनना चाहिए बोर्ड में सारा वोल्टेज आपको बन रहा है पर एक वोल्टेज आपको मिसिंग हो रहा है और वो क्या हो रहा है वो भी मैं दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा पास आ जाओ ये है इसका सीपीयू सॉकेट अभी देखो इसमें एक भी पिंस मतलब टेढ़ा बेड़ा नहीं है और सारा पिन सही है, है स्टेट ली है ये सारा पिन मतलब सी पी यू सॉकेट का जो पिन है इससे दिक्कत नहीं हो रहा है रही बात सी पी यू सॉकेट की तो दिक्कत कहाँ से हो रहा है सीपी यू का जो इरोर है अगर मैंने पहले ही कहा अगर आप डिबा कार्ड पे जाओगे तो देखो ये कस्टमर का सी पी यू था अभी यहाँ से एक मेरा वाला कोई भी एक सी पी यू ले लेते ये इंटेल का थर्ड जनरेशन सपोर्ट करता है तो मैं एक थर्ड जनरेशन का मेरा टेस्टेड सीपीयू है वो लगा देता हूँ तो देखो अभी मैंने जो डाला ये जेन्यून सीपीयू है पर कस्टमर का जो सी था वो भी सही है वो भी सही है फिर से हम पावर देंगे वोट को पावर दिया तो देखो इसमें इसमें भी थर्टीन कोड है इसमें भी थर्टीन कोड है तो हम एक तरफा श्योर हो गए कि ये सी से नहीं हो रहा है एक तरफ़ हम श्योर हो गए कि ये सीपीयू से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास तो जेन्यून सी है ये सीपीयू तो ख़राब नहीं हो सकता ना क्योंकि इससे मैं काम चलाता हूँ और भी है पर इतना चेंज करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम जो है वो मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ कहाँ से हो रहा है ये प्रॉब्लम तो फिर से वो कस्टमर वाला सीपी लगा दिया और, और एक बार मैं चलाऊँगा तो देखो फिर से थर्टीन कोड है तो अभी इस केस में क्या है इस केस में अगर आप बायोस को रिपोग्राम करोगे तो सॉल्व नहीं होगा सीपी तो चेंज कर दिया देख करके दिखाया सॉल्व नहीं होगा अगर सी स्लॉट में कोई भी पिंस का कुछ प्रॉब्लम्स है मतलब ब्रोकन है या फिर कनेक्टेड है ईच अदर से तो एक के साथ एक कनेक्टेड है तो फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो सही कर सकते हो उसके बावजूद भी अगर सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है मैं बस दिखा रहा हूँ तो बोर्ड को ऑन रख रखते हैं काट को भी रखते हैं यहाँ पर तो देखो काट को मैं हटा देता हूँ बोट को चलने देता हूँ और इसमें जो वोल्टेज नहीं बन रहा है वो इसका जीपीयू नहीं बन रहा है ठीक है अब जीपीयू ना बनने का पीछे और भी रीज़न है मैंने दो तीन वीडियो में डाल के रखा है अलग अलग रीज़न है ठीक है तो वो वीडियो आप देख लेना अगर पीछे में जाके थोड़ा सा तो बोर्ड अभी चल रहा है फैन घूम रहा है देखो फिर से रिजार्ट हुआ है पर चलेगा मतलब बार बार रजिस्टार्ट हो रहा है ये थर्टीन पे जाके रुकने के बाद तो देखो यहाँ पर जो है इसका कैसे दिखाओ भाई मल्टीमीटर भी दिखाना है ये देखो यहाँ पर जो ये जो जी सेक्शन है इसका ये जीपी सेक्शन है ठीक है तो ग्राफिक्स यहाँ से जनरेट होता है तो देखो इस साइड में हमें ट्वेल्व वोल्ट मिल रहा है इलेवन पॉइंट नाइन्टी सिक्स अभी इसका सोर्स पे ये देखो ये जो सोर्स है सोर्स पे कोई भी वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है और गेट पे अगर हम देखें गेट पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं है मतलब गेट पे भी जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो थ्री और सोर्स पे जीरो पॉइंट जीरो एट सोर्ट्स जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो एट है पर यहाँ पर वन वोल्ट आना चाहिए और ये क्यों नहीं आ रहा है तो देखो ये दो मतलब प्रॉब्लम से ये अगर प्रॉब्लम आपका दो वजह से ये नहीं आएगा आपका बोर्ड में तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ पिछले वीडियो में बता के रखा है फिर भी मैं बता रहा हूँ अगर आपका रैम पोपल सपोर्ट नहीं कर रहा है फ्रिक्वेंसी मतलब एफ रैम का जो होता है वो अगर मैच नहीं कर रहा है तो ऐसा होगा यहाँ पर आपका जी पी यहाँ पर आपका जी नहीं बनेगा नंबर uh, टू आपका अगर सी आपका अगर सी खराब है मदरबोर्ड uh, में अगर जो सी आप डाल रहे हो वो सी अगर खराब है सी पी खराब है तो भी यहाँ पर जी मतलब जनरेट नहीं होगा सीप तो खोल के दिखाता हूँ थोड़ा सा सीपी अगर ख़राब है तो भी इस सेक्शन में वोल्टेज नहीं बनेगा रैम अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी इस सेक्शन में वोल्टेज नहीं बनेगा नंबर थ्री यहाँ पर देखो एक ड्राइवर ऐसी होता है तो मैंने अलग अलग वीडियो में सेम बोर्ड के ऊपर अलग अलग केस स्टडी बना के रखा है लगभग तीन इसी तरह का सेम तीन केस स्टडी बना के रखा है पर ये जो बन रहा है अभी अलग है तो देखो यहाँ पर एक ड्राइवर ऐसी मिलता है ये वाला ये ड्राइवर ऐसी अगर खराब हो जाता है शॉर्ट होता है कभी कभार तो भी आपका इस सेक्शन में वोल्टेज नहीं बनेगा मतलब ये जी पी यू सेक्शन में वोल्टेज नहीं बनेगा मतलब इस सेक्शन में जब तक आप जब तक आपको वोल्टेज नहीं जनरेट होगा तब तक आपका डिस्प्ले आउट नहीं होगा और इस, इसके पीछे और एक रीज़न है वो क्या है अभी मैं दिखाता हूँ तो उसको दिखाने से पहले ये थोड़ा सा मैजिक टाइप का पहले मैं दिखाऊँगा उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा तो अभी देखो मैजिक दिखाता हूँ मैं मैजिक दिखाने से पहले बोट का कंडीशन एज इट इज़ है कि नहीं आप एक बार देख लो उसके बाद हम मैजिक देखेंगे तो सॉरी फिर से पावर दिया सॉरी फिर से पावर दिया देखो थर्टीन पे जाके ही रुका हुआ है अभी सीपीयू जो है ये देखो वो ही रहेगा रैम को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा अभी क्या करूंगा सिंपल एक बार ऑफ करूँगा थोड़ा सा मतलब स्टैंड को नीचे करूँगा और ये जो जम्पर है सॉरी वीडियो में आ नहीं रहा है ये जो जंपर है इसको मैं रिमूव करूँगा इसको मैं रख दूँगा इसको रखने के बाद अभी ये देखो कहाँ से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है मतलब बोट के बारे में बोट के डायग्राम के बारे में आपको ऑन बोट पर थोड़ा सा स्टडी करना है कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होता है और कौन सा कंपोनेंट के वजह से बोर्ड में प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है तो देखो मैं भी इस बोर्ड के ऊपर लगभग आ, कल एक बार देखा था सॉल्व नहीं हुआ मुझे थोड़ी ना पता है कि यहाँ से हो रहा है क्योंकि जम्पर तो ऑलवेज डाला हुआ है पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ पर ये यह जो दो सॉकेट है सॉरी कैमरा यहाँ पर चला गया जम्पर तो डाला हुआ है ये जंपर का जो सॉकेट है इसमें मतलब इतना रास्ट है इतना रास्ट है कि जंपर काम ही नहीं कर रहा है तो मैंने कैसे मुझे पता चला तो मैंने पीछे में जाके जंपर को हटाया एक बार मैंने लगाया फिर से तो भी नहीं हुआ तो पीछे में जाके मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ट्विजर से शॉट करके एक बार बोर्ड को ऑन किया तो बोर्ड हमारा जो है डिस्प्ले आउट हो गया उसके बाद फिर से मैंने वापस जब जंपर लगाया तब ये काम नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा चलो वीडियो में थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये एक छोटा सा जंपर के वजह से ये एक छोटा सा जंपर के वजह से मदरवुड में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है तो देखो इस इसका जो रास्ट है हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे तो देखो बस इतना ही काम है इस बोर्ड में इसके लिए मेरा दो दिन वेस्ट हो गया इस बोर्ड के ऊपर मैं अगर थोड़ा सा क्लीन कर देता तो दो मिनट में ये बोर्ड मेरे हाथ से रेडी हो जाता कल तो ये जो बोर्ड आया था यह किसी और प्रॉब्लम के साथ भी आया था यह शॉर्ट था बिहारम सेक्शन में शॉर्ट था तो कल मैंने इस बोर्ड को शॉर्ट हटाया उसके बाद सॉल्व भी नहीं कर पाया एक घंटा हो गया सॉल्व भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया अभी देखो ये जो जंपर है मैं डाल रहा हूँ इसमें ठीक है तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि इसमें ये जो दो पिन है ये दो और तीन नंबर पिन शॉर्ट होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब जीपी यू सेक्शन आर टी सी सेक्शन काम नहीं करेगा तो जी पी यू सेक्शन में भी ये जी पी यू नहीं क्रिएट होगा अभी देखो कुछ भी नहीं किया बस क्लीन किया दो पींस को मैंने लास्ट को क्लीन किया और कुछ भी नहीं किया अभी मैं इसको सिंपली देखो सीपीयू वही है रैम भी वही है मैंने हाथ नहीं लगाया बस एक बार पावर दे रहा हूँ अभी फॉलो करो डिबाक काट को कीबोर्ड डाला हुआ है अभी तक मैंने खोला नहीं ये देखो वैसा ही कीबोर्ड लगा हुआ है तो ये देखो डिस्प्ले आ गया बोर्ड में तो फिर से एक बार मैं रिस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर कीबोर्ड रख के पता चल जाएगा ये देखो रिस्टार्ट कर दिया यहाँ पर चला गया कोड फॉलो करो और यहाँ पर लाइट फॉलो करो एक ही साथ आएगा ये देखो एक ही साथ आ गया तो ये बिजली लगाएंगे तो मोनिटर पर भी डिस्प्ले आ जाएगा बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम था तो आपको ध्यान में ध्यान में रखना है कि कभी कभार अगर ऐसा प्रॉब्लम इंटेल के सीरीज में दिखा रहा हूँ तो बेसिकली इंटेल के ऊपर बेस है वीडियो बाकी बोर्ड में भी सेम है पर हर बोर्ड में आपको यहाँ पर जंपर थोड़ी ना मिलेगा पर जम तो मिलता है आर सी सेक्शन का कुछ अलग जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा पर अगर पर्टिकुलर आप इसी बोर्ड पर ही काम कर रहे हो तो अगर ऐसा ही है कुछ थर्टीन कोर्ट पे जाके रुक रहा है रैम चेंज कर रहे हो सीपीयू चेंज कर रहे हो अब इस केस में क्या है कुछ कुछ लोग यहाँ पर एक रैम कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम रैम का कंट्रोलर होता है यहाँ पर ये ये वाला इसको भी बदल डालते हैं तो देखो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होता तो आज का वीडियो जो मैंने बना दिया तो हंड्रेड परसेंट मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारा लोग ऐसे केस में फंसे हुए हो आपका बहुत सारा बोर्ड पेंडिंग केस में पड़ा हुआ है फटाफट वीडियो ख़त्म करो आज तो नहीं बैठ पाओगे क्योंकि कल जाके बैठ जाओ वीडियो देख के सॉल्व कर लो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका बस प्रॉब्लम यही जंपर से ही हो रहा है अगर सेम केस है तो आपके पास तो इसको आप पोपर क्लीन करो फिर जंपर डाल दो चलाओ आपका बोर्ड में अगर सी सही है रैम सही है तो बोर्ड में हंड्रेड परसेंट डिस्प्ले आ जाएगा ट्राई करो अगर सॉल्व हुआ तो कमेंट करो तो देखो ये बोर्ड हमारा बन गया अभी ज़ीरो ज़ीरो है तो फिर से एक बार रजस्टार्ट करके वीडियो को एंड करूँगा फिर से एक बार रजस्टार्ट कर दिया और कोड अभी भी जनरेट हो रहा है हो नहीं रहा हो रहा है डिस्प्ले आ जाएगा पर बीप नहीं कर रहा है ठीक है इंटेल का बोर्ड में कभी कभार नहीं करता है बीप पर रैम हटा दूंगा तो पै पै करेगा अभी तो देखो ज़ीरो ज़ीरो आया है और कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले ये देखो आ चुका है और कीबोर्ड हमारा जो है यहाँ पर लगा हुआ है देख सकते हो ये है कीबोर्ड ठीक है तो कीबोर्ड पे डिस्प्ले जनरेट हो गया तो वीडियो बस इतना ही है अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक करके जाओ जाते जाते मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे लव यू ऑल जय हिंद